हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A केस 28 पार्ट में अगेन आपके सवालों के जो जवाब हैं मैं यहाँ पे आपको दूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो Q&A है वो, और आपको अपने क्वेश्चंस, आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर अगर जानना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा, यूपी की स्टेट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? अभी साइट पर कुछ नहीं आया है। देखो, साइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, इस मंथ के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड, या 1 अक्टूबर तक आ ही जाएगा। तो 1 अक्टूबर तक ही मेरे हिसाब से पॉसिबल है कि वो यूपी की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, इन्होंने पूछा है, सर मेरा ARI रैंक 12102 है एंड ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज रैंक 1343 है, SC कैटेगरी है, तो एडमिशन के चांसेस हैं EACCC PG काउंसलिंग में? तो इसका आंसर मैंने दे दिया था। ठीक है, इन्होंने नीचे में पूछा है कि उत्तराखंड काउंसलिंग में चांसेस हैं स्टेट काउंसलिंग में? देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल चांसेस नहीं है, और प्राइवेट कॉलेज के भी चांसेस तभी बनते हैं जब आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करते हो या सही तरीके से फॉर्म वगैरह सबमिट करते हो। ठीक है, तभी चांसेस बनेगा। अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत तरीके से किया तो उस कंडीशन में चांसेस जो है नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो बहुत मैटर करता है आपका। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, क्या BHU के इंटरनल कोटा एक्सटर्नल कोटा में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं? जहाँ तक मैंने देखा है, मानस रोग जो विज्ञान है वो पहले इंटरनल कोटा में रहता था, लेकिन अगर आप EACCC की काउंसलिंग में देखोगे तो मानस रोग विज्ञान जो है वो एक्सटर्नल कोटा में शो अप हो रहा था। ठीक है, तो शायद तक है। ठीक है, कुछ सीट्स हुई हैं ऐसा भी लगता है। ठीक है, बट अगर नोटिफिकेशन देखें, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखें, तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे कि अभी इस टाइम एलिजिबल नहीं है BHU के लोग इंटरनल कोटा के लिए, तो चांसेस हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा, हेलो सर, गुजरात में गवर्नमेंट में 44 सीट्स ही है ना? 44 सीट्स नहीं बोलेंगे, जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगा। ठीक है, उसमें आपका 35 सीट जो है वो आपका अखंडानंद का फिलअप होगा, इसके अलावा 11 सीट है। ठीक है, और एक आपका 4 या 5 सीट है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप टोटल देखते हो तो टोटल आप चेक कर सकते हो। सॉरी, हाँ सॉरी, ये 35 नहीं है, ये 25 है शायद तक, 25 है। ठीक है, अखंडानंद में 25 सीट है। ठीक है, फिर 11 है, फिर 4 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36 एंड 4, 39 सीट आपका होगा, सॉरी 50 सीट हो, 40 सीट हो गए यहाँ पे, 40 सीट जो है वो यहाँ पे आपके फिल होंगे स्टेट काउंसलिंग में, जो स्टेट कोटा की है। ठीक, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर गुजरात से हूँ, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1793 है, जनरल कैटेगरी है, ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में कहीं नहीं मिला, तो क्या स्टेट कोटा में चांसेस हैं? EACCC सेकेंड एंड थर्ड राउंड में कुछ चांसेस हो सकता है क्या? तो देखो, डीम्ड के चांसेस हैं, गवर्नमेंट के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। ठीक है, और गुजरात में भी आपका बहुत वही है कि जनरल कैटेगरी हो, तो गुजरात का अगर कंपटीशन देखो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है आपकी। ठीक है, मैं बिना चीज़ों को जाने मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो गुजरात में अगर स्टेट कोटा के लिए, सबसे पहले बात तो एलिजिबल हो कि नहीं हो, क्योंकि जिन बच्चों का बाहर से UG हुए हैं उनको 15% सीट के लिए एलिजिबल कर रहे हैं, 85% सीट के लिए एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके स्टेट में रैंकिंग क्या है ये भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो गुजरात का तो मैं तभी बता पाऊँगा। ठीक है, जब आप थोड़ा सा पर्सनल कंसल्टेशन ले रहे हो, या फिर आप प्रॉपर जो है ये सारी चीज़ें डिटेलिंग अगर मेरे पास है तभी मैं उसके बारे में बता पाऊँगा। ठीक है, और चॉइस फिलिंग भी मैटर करती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेज के, अगर वही है कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एक बार चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का तो नहीं बनेगा, और EACCC में भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर डीम्ड का ही चांसेस है EACCC में, अगर अपन सही तरीके से बात करें तो, पर डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है इनका, हेलो सर, माय ARI इज़ 1104 एंड मार्क इज़ 286, आई एम फ्रॉम OBC कैटेगरी महाराष्ट्र, कैन आई गेट एनी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सीट्स थ्रू EACCC इन सेकेंड राउंड और प्रोबेबल थर्ड राउंड?
देखो, अगर महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो ज़्यादा बेटर है। CCC के थ्रू डीम्ड मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट एडेड भी चांसेस हैं, ठीक है। बट यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या, आप हो तो महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वहाँ पे भी वही है कि आपका प्रेफरेंस वगैरह, चॉइस फिलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आपको सीट अलॉट होना, आप चाहते हो कि सीट अलॉट हो जाए, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में भी, तो वो बहुत मैटर करती है। अगर आप वो सही तरीके से भरोगे तो जल्दी मिल जाता है, अदरवाइज़ कोई दूसरा उठा के ले जाता है आपकी सीट्स को, ठीक है, तो वो भी बहुत मैटर है करते हैं आजकल, ठीक है। जो जैसे फर्स्ट राउंड का जैसे ही आया ना रिजल्ट, तो वो चीज़ एकदम क्लेरिफाई हो गया कि चॉइस प्रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आप सही तरीके से भरोगे तभी सीट अलॉट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, मेरा रैंक 701 है, AWS रैंक 140 है, फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो क्या मुझे सेकेंड राउंड में पार्ट करना चाहिए? क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए ओनली स्टेट काउंसलिंग में फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा इनकम्प्लीट है। देखो, सबसे पहले बात तो आपने यहाँ स्टेट को मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अगर स्टेट मेंशन किए रहते तो मैं एक बार क्लियर कट बता सकता था कि आप स्टेट में चांसेस हैं कि नहीं है, ठीक है। तो पहला तो स्टेट मेंशन नहीं किया है, तो वहाँ पे तो स्टेट का मैं कुछ नहीं बोल सकता। दूसरी चीज़, यहाँ पे AACC के बारे में बात करें, तो यहाँ पे अगर AACC में भी अगर आप किस प्रकार से प्रेफरेंस भर रहे हो, ठीक है, वो मैटर करते हैं। सेकेंड राउंड अगर ज्वाइन कर रहे हो तो प्रेफरेंस क्या है आपका, ठीक है, चॉइस फिलिंग में आप प्रेफरेंस कैसा रख रहे हो वो मैटर करता है। अगर वो सही से रखोगे तो चांसेस है आपको सीट अलॉट होने का। अगर आपने प्रेफरेंस सही नहीं रखा तो सीट अलॉट नहीं होगा क्लिनिकल की भी, ठीक है। और स्टेट भी मैटर करता है, क्योंकि हर स्टेट की जो सीट है वो अलग अलग है, ठीक है, कंपटीशन लेवल भी अलग अलग है। तो ये दोनों चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसी वजह से मैं क्लियर कट नहीं बोल सकता आपको, ठीक है, कि आपको पर्टिकुलरली स्टेट में ज़्यादा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा करके। क्योंकि अगर आप देखोगे गुजरात वगैरह स्टेट में, तो वहाँ तो इस रैंकिंग में भी वहाँ के खुद के बच्चों को सीट नहीं मिल रही है, ठीक है। 700-500 के अंडर में रैंकिंग में उन लोग का कॉम्पिटिशन है ऑल इंडिया रैंकिंग में, तो बहुत दिक्कत है, ठीक है, वहाँ पे भी। अगर आप गुजरात से हो तो, ठीक है, और अदर स्टेट से हो तो वही स्टेट मैटर करता है कि वहाँ की सीट्स कितनी हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। और अगर AACC में बात करो तो प्रेफरेंस मैटर करता है। अगर आपको क्लिनिकल चाहिए तो प्रेफरेंस कैसे भर रहे हो ये बहुत बड़ा वहाँ पर रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि ये रैंकिंग इन्होंने बताया था कि 3490 है, OBC कैटेगरी है, 159 है, यूपी के स्टेट काउंसलिंग में। देखो, इन्हों को क्या है, यूपी में प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस सजेस्ट कर दीजिए। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं यूपी में, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, ओनली प्राइवेट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। अब वहाँ पर अगर आप देखोगे तो फीस वगैरह जो है ना सबके अलग अलग हैं, ठीक है, सबके अलग अलग हैं, तो वो चीज़ तो अब मैटर करता है आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर मैटर करता है। तो उसको भी वही है, उतना पूरा अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे प्रेफरेंस क्या भर रहे हो, यूपी में भी आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो ये नहीं है कि कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप भरोगे तभी आपको अपने बजट की जो सीट है वो अलॉट होगी। अदरवाइज़ अगर आपने रैंडमली कोई भी प्रेफरेंस भर दिया तो कोई भी सीट अलॉट हो जाएगी, जहाँ अगर इनकेस बजट ज़्यादा रहा या फीस ज़्यादा रहा वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो बहुत मैटर करता है। ओके, प्रेफरेंस भी मैटर करता है। और जैसे मैंने बोला कि हर कॉलेज की जो फीस है यूपी में थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार, ठीक है, कहीं में तो 1-1 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में ही, ठीक है, ये चेक भी कर सकते हो ऑफिशियल डाटा को, ठीक है। तो ये है, तो मैं यही बोलूँगा अभी फ़िलहाल के लिए तो, कि अगर ऐसा है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज अगर आप ले रहे हो तो सजेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है। उसमें आप एक काम कर सकते हो, एक तो कोई अच्छा जो नॉलेज रखता हो कॉलेज का, ठीक है, उससे बात कर सकते हो, या फिर मेरे से कंसल्टेशन शेड्यूल करा सकते हो, ठीक है, ताकि मैं पूरा एक एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आपको बता सकूँ, ब्रांचेस बता सकूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, इन्होंने पूछा है, सर मुझे काउंसलिंग से रिलेटेड पूछना था आपसे। एक्चुअली मैं, माई कैटेगरी रैंक इन HP इज़ 8, कैन आई गेट एडमिशन इन?
अच्छा, ये कॉलेज में आपका एडमिशन जो है, सबसे पहले तो अपन बात करें, देखो कैटेगरी रैंक आपने बोल दिया, ठीक है, सॉरी, हाँ कैटेगरी रैंक आपने बोल दिया 8 है। अब यहाँ पे आपने कैटेगरी मेंशन नहीं किया, ठीक है। अगर आप, सबसे पहले बात तो ये है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ये आपको भी पता है। अगर आप, ये जनरल कैटेगरी रैंक है, ठीक है, तो चांसेस हैं आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर ये आपका अदर कोई कैटेगरी रैंक है, तो वहाँ पे रिजर्वेशन मैटर करते हैं, ठीक है, कि आप, सबसे पहले बात तो ये है, प्रेफरेंस मैटर करेगा ही करेगा। अगर जनरल कैटेगरी रैंक है यहाँ पे, तो बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी रैंक नहीं है ये, ठीक है, कोई आप अदर कैटेगरी हो, EWS, SC, ST, OBC, ऐसे करके आप हिमाचल प्रदेश में कोई अदर कैटेगरी में आते हो, तो उस कंडीशन में आपके प्रेफरेंस जो है वो मैटर करेगी, कि आप प्रेफरेंस कैसे भर रहे हो, ठीक है, ये बहुत मैटर करते हैं। अगर आपने प्रेफरेंस सही से भरा तब एडमिशन होगा, अगर नहीं भरे तो नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर पीजी में फ्रेंडशिप सॉरी फीसशिप कार्ड यूज़ हो सकते हैं, तो कई कॉलेजेस में होता है, बाकी मेरे हिसाब से बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ नहीं होता, एक आध दो कॉलेज बस में होता होगा। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर SC कैटेगरी 238 मार्क मार्क है सर, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में स्टेपनरी सीट मिल जाएगा क्या? प्लीज़ सर आंसर दे दीजिए। देखो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस मैटर करते हैं, चांसेस तो नहीं है, ठीक है, कि ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट अलॉट हो जाए, फिर भी अगर आप जो 20 से 30% चांसेस हैं, ठीक है, वो अगर देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपका जो है चॉइस फिलिंग मैटर करता है, ठीक है, कि आप चॉइस फिलिंग कैसे की हो, तभी जा कर के एक बार थोड़ा बहुत तो 10 से 20% चांसेस जो आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज आप रैंडमली भर रहे हो, अपने हिसाब से भर रहे हो, तो चांसेस बिल्कुल नहीं है कि सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, मैं MP से हूँ, मेरा ऑल इंडिया रैंक 977 है और OBC कैटेगरी रैंक 424 है, क्या सर EEEC के सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं? UP, पटना, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ये सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, महाराष्ट्र वाले छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बिहार में पटना में कोई नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भी, क्योंकि सीट्स भी कम है, ठीक है, तो सेकेंड राउंड में सबसे पहले बात तो यहाँ के कॉलेजेस कितनी सीट्स दे रहे हैं वो मैटर करते हैं, और यहाँ पे इस रैंकिंग में, ऑल इंडिया रैंकिंग में चांसेस बहुत कम है, ठीक है, कि आपको सीट अलॉट हो जाए, स्टेट में एक बार चांसेस रहेगा, बट EEEC में चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी करो अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर मुझे फर्स्ट राउंड में पिपरोला DG अलॉट हुआ है, बट मुझे वो लेना नहीं है, तो क्या कोई चांसेस है आगे के राउंड्स में क्लिनिकल गवर्नमेंट सीट मिलने का, जैसे सर पिछले साल की जो रिज़ल्ट है उसमें EEEC में 1451 को PTSR केरला अलॉट हुआ था SC कैटेगरी रैंक में, तो SC कैटेगरी रैंक इनका 71 है, तो बिल्कुल देखो आप प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है, आपको पिपरोला जो है वो DG अलॉट हुआ है, ठीक है, लेकिन सेकेंड राउंड में अगर आप चाहते हो कोई क्लिनिकल अलॉट हो, तो उसके लिए आपकी चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है, आप चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, ये चीज़ मैंने फर्स्ट राउंड से ही कितने बार, जैसे रिजल्ट आउट हुआ तो मैंने कितने बार लोगों को बताया है, ठीक है, आपको भी मैं ये बोलूँगा, चॉइस प्रेफरेंस कैसे रख रहे हो वही मैटर करेगा, ठीक है, अगर वो कॉलेज आप नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप जो है फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन है, बट वही है, अगर आप चाह रहे हो, ठीक है, कि वो उसको भी ना करो, तो आप ग्रेडेशन में चढ़ा सकते हो, और सेकेंड राउंड में चॉइस प्रेफरेंस आपको अगर सही रहा तभी अलॉट होगा, अदरवाइज चांसेस नहीं है, ठीक है, चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करते है इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग, आई हैड कम्प्लीटेड माई UG फ्रॉम महाराष्ट्र एंड हैविंग डोमिसाइल फ्रॉम मध्य प्रदेश, सो आई विल बी एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट 85% सीट कोटा, आपको भी पता है 85% के लिए डोमिसाइल अब कंपलसरी हो गया है, 35% सीट में आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है, अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तब आप एक बार एलिजिबल हो सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकते, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्यूरीज थे, ठीक है, जितना भी मेरे को टाइम मिल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सवालों का जवाब देने का,
तो यहाँ पे मैंने जवाब दे दिए हैं। बाकी आपको और कुछ भी क्वेश्चंस मेरे से पूछने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैसेज करके अपनी क्यूरीज पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।